नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत ने 2022-23 बजट किया फाइनल, कल करेंगे पेश। किसान कर्ज माफी, पंचायती राज में भर्ती की घोषणा संभव। राजसमंद से लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी का बीकानेर जाते वक्त श्री डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर किया जोरदार स्वागत। शादी के बाद नीमच लौट रही बारात, अज्ञात ट्रक से टकराई, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का बजट फाइनल कर दिया। गहलोत ने कहा कि मैं सुबह 11 बजे साल 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे आशा है कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसान के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 23 फरवरी को गहलोत लोक लुभावन और चुनावी बजट पेश करेंगे। केंद्रीय बैंकों के कर्जे माफ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने और कमर्शियल बैंकों के कर्जे प्रदेश सरकार की ओर से माफ करने की घोषणा की जा सकती है। बजट में ऑर्गेनिक खेती, शुष्क खेती बढ़ावा देना, सिंचाई एरिया बढ़ाने, पुरानी नहरों और बांधों को रिपेयर करने पर बजट दिया जा सकता है। किसानों की उपज को स्टोर करने के लिए हर गांव पंचायत में आधुनिक स्टोरेज गोदाम बनाने पर भी सरकार का फोकस है। बजट में जिला और विधानसभा स्तर तक प्राथमिकताओं के आधार पर गर्ल्स कॉलेज की संख्या बढ़ाना, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर स्कूलों की संख्या बढ़ाना, विधवा, विकलांग, बुजुर्गों के पेंशन प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने की सरकार घोषणा कर सकती है। टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए बजट प्रावधान और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाने व ट्रैफिक दबाव से रोड एक्सीडेंट में कमी लाने, हाईवेज पर लोगों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त की घोषणा की जा सकती है। खबर सूरतगढ़ से, जहां विभिन्न किसान संगठनों की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कॉमरेड मदन ओझा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि आईजीएनपी के अंदर सिंचाई महकमा 60 दिन की आंशिक बंदी 20 मार्च से है व पूर्ण नहर बंदी 20 अप्रैल से 20 मई तक लेना प्रस्तावित है, लेकिन इलाके की जनता व किसान संगठन सरकार से बार बार मांग करते हैं रिलाइनिंग का काम कम समय में युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए, जिससे आईजीएनपी की क्षमता बढ़ सके, जिससे पाकिस्तान जाने वाले पानी को भी रोका जा सके। वहीं सिंचाई पानी के चीपेज होने पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं हमारे क्षेत्र में किसान संगठन आपस में मांग करते हैं कि 20 मार्च से आंशिक नहरबंदी की बजाय 20 मार्च से 20 अप्रैल तक पूर्ण नहरबंदी लेकर रिलाइनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, जिससे किसान नरमे की फसल के लिए पूरा पानी प्राप्त कर सके व आंशिक नहरबंदी से अनावश्यक पानी की बर्बादी भी रोकी जा सके। वहीं इसके साथ ही 20 मार्च को गेहूं की फसल के लिए एक बारी पानी की भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ इलाके के किसान संगठन आप सरकार से मांग करता है कि आईजीएनपी में प्रथम चरण को लेकर 2004 के अजमेर जेल समझौते के अनुसार रेगुलेशन बनाया जाए व प्रथम चरण का पानी सुरक्षित किया जाए, लेकिन आपकी सरकार जल समझौते को लागू करने में आनाकानी कर रही है। वहीं केंद्र और आपके राज्य सरकार इस क्षेत्र से आगे दूसरे चरण में वाटर रिजर्वायर बनाने जा रही है, जिन पर रोक लगाई जाए। वहीं आज के प्रदर्शन में जनता मोर्चा संयोजक ओमराज पुरोहित, किसान नेता राकेश बिश्नोई, आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राधेश्याम, उपाध्यक्ष कॉमरेड लक्ष्मण शर्मा, अमित कल्याणा, पवन स्वामी, रफीक मोहम्मद सहित अनेक लोग वहां उपस्थित रहे। सूरतगढ़ से, जहां व्यापार मंडल सूरतगढ़ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव को कच्चा आड़त में पुनः 2.25% बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश कुमार सेकसरिया के नेतृत्व में आड़तियों का कहना है कि लगातार कच्चा आड़तियों के द्वारा 30 वर्षों से आंदोलन कर रहे 2 से 2.5% बढ़ाया था। कोरोना काल में सरकार ने घटाकर 1.175% कर दिया। अब विरोध किया तो सरकार ने कहा कि मार्च में पुनः 2.25% कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि रबी की फसल भी धान मंडी में आने वाले हजारों आड़तियों को लाभ मिल सकेगा।
वहीं राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा में भाईजी मोटर्स पर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोविड 19 टीकाकरण का आयोजन किया गया। वहीं डॉक्टर ओपी कुलहरी ने बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कल्प सेंटर फॉर अनफोल्डिंग लर्निंग पोटेंशियल्स व अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से झोटवाड़ा स्थित एक मोटर्स पर टीकाकरण का आयोजन किया गया। वहीं सर्वे के अनुसार 60% टीकाकरण लगभग हो चुका है, वहीं 40% लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हर कॉलोनी को चिन्हित करके वहां पर कैंप लगा रहे हैं जिससे सभी का टीकाकरण लगभग पूरा हो जाए। अब तक हम लोगों ने 6 कैंप लगाए हैं, आगे भी यह जारी रहेगा। कार्यक्रम में सलीम खान व युवा नेता इरशाद गोराना सहित अनेक लोग वहां पर मौजूद रहे। भाईजी मोटर्स पर कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, कल्प संस्था द्वारा यह आयोजन किया गया स्वास्थ्य विभाग के साथ में मिलकर के। वो यहाँ का लक्ष्य हमने कोविड टीकाकरण का 400 का रखा, वो लगभग अभी तक 200 से ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट सेकेंड और बूस्टर डोज तीनों तरह की, वो दोनों टाइप के डोजेज हैं, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी है। ये कैंप लगभग कितने लग चुके हैं अब तक झोटवाड़ा क्षेत्र में? 6 कैंप, आज 2 कैंप चल रहे हैं हमारे और 4 कैंप पहले लग चुके हैं। पहले 4 कैंपों में हमें कोविशील्ड सरकार ने उपलब्ध कराई, कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। उससे गोकुलपुरा में जो कैंप लगे, 2 कैंप लगे, उसमें एक हमारे सबसे कम वैक्सीन डोज लग पाई। बात बीकानेर की, जहां श्री डूंगरगढ़ में भाजपा प्रदेश महामंत्री और राजसमंद से लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी का बीकानेर जाते वक्त श्री डूंगरगढ़ में नेशनल हाईवे पर पवन होटल के आगे भाजपा युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और पुष्प के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान राइन ने चुनरी उड़ाकर स्वागत किया, तो युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भवानी प्रकाश तावणिया और युवा शहर अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने माला पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। बात राजधानी जयपुर के पावटा की, जहां पंचायत समिति पावटा की ग्राम पंचायत पंडितपुरा में मंगलवार को जिला पार्षद भोमाराम गुर्जर के मुख्य अतिथि व ग्राम सरपंच मनोज कुमार की अध्यक्षता में निरोगी राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर प्रभारी डॉक्टर संदीप मोहानिया के नेतृत्व में डॉक्टर पुनीत कुमार, डॉक्टर ममता वर्मा, डॉक्टर सुमित्रा गुर्जर, डॉक्टर दीपक सैनी, डॉक्टर हवा सिंह यादव व डॉक्टर अनुज अग्रवाल और डॉक्टर दवेंद्र शर्मा सहित चिकित्सा टीम ने ग्रामीण महिला व पुरुषों व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां विराट नगर जयपुर से शादी के बाद नीमच लौट रही बारात की कार हमीरगढ़ थाना इलाके में आगे चल रहे अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। नीमच निवासी मुकेश सैनी ने बताया कि नीमच से दूल्हे की बारात 21 फरवरी को जयपुर के पास विराट नगर गई थी। शादी के बाद मंगलवार को बारात पुनः नीमच जा रही थी। बारात में शामिल एक बार चित्तौड़गढ़ हाईवे पर तख्तपुरा पुलिया के नजदीक अज्ञात वाहन में जा घुसी और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी को शहर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की बॉर्डर विंग होमगार्ड के 2664 जवान स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि असम, गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में विंग के जवान स्थायी हो चुके हैं। बीएसएफ से कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी दिखा चुके हैं इन जवानों को, हथियार व कमांडो का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। लेकिन इन दिनों छिपी बेरोजगारी को झेल रहे प्रदेश के 4 जिलों में कार्यरत इन जवानों को ड्यूटी पर भुगतान होता है। पूरे महीने की ड्यूटी पर 20,000 के करीब मानदेय मिलता है, लेकिन ड्यूटी नियमित नहीं मिलती। आपात स्थिति, चुनाव और विशेष कार्यों पर यह ड्यूटी महीने में औसत 10 दिन ही बन पाती है। ऐसे में 7,000 से 8,000 रुपए पर ही संतोष करना पड़ता है। इन जवानों को सरकार ने हथियार व वर्दी, हथियार रखने के लिए कोच, जवानों को रहने के लिए बैरिक, वहीं अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर, गाड़ी सब कुछ दे रखा है। बस नियमित का ही इंतजार है। इनको नियमित करके छिपी हुई बेरोजगारी से बाहर निकाले। ये जवान कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं नियमित किया जाए, परंतु इनकी सुद लेने वाला कोई नहीं। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा को लेकर 1968 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में 2664 जवानों को
भर्ती निकालकर तैनात किया था। कारगिल संसद पर हुए आतंकवादी हमले, ऑपरेशन पराक्रम में कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे, सीमा पर तारबंदी होने के बाद आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था का जिम्मा भी निभाया। वहीं सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर और बीकानेर की बॉर्डर पर विंग होमगार्ड के 2664 जवान स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। खबर जोधपुर से, जहां पंचायत समिति तिवरी में शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीआई के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। शिक्षा अधिकारी पद्माराम जाखड़ ने बताया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए नवम्बर माह में ऑनलाइन इंटरव्यू का आयोजन किया था, जिसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतासर ओसिया में कार्यरत प्रधानाचार्य जगदीश सिंह सारण का चयन पंचायत समिति तिवरी में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय के पद पर होने पर आज सीबीओ कार्यालय तिवरी में कार्यभार ग्रहण किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिले के मांडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने विद्यालय परिसर में राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। वहीं विशेष योग्यजन व सिलिकोसिस पीड़ितों का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान राजस्व मंत्री ने आमजन को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार का आभार भी प्रकट किया। खबर जोधपुर से, जहां नारकोटिक्स विभाग और जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपालगढ़ के हीरा देसर क्षेत्र में 4 खेतों में की गई अफीम की खेती पर दबिश देकर करीब 5000 तैयार पौधे जब्त किए। तथाकथित किसान तस्करों ने खेत में आमजन और पशुओं की रोकथाम के लिए खेत में तारबंदी के साथ करंट प्रभावित खुले तार भी लगाकर मानव और पशुओं की जिंदगी को भी दांव पर लगा रखा था। अचानक आज सुबह पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी ने भारी जाप्ते के साथ इस कृषि फार्म पर दबिश कार्रवाई की। वहीं कृषि फार्म का मालिक क्षेत्र में दबंगई के साथ कई वर्षों से इस जमीन पर अन्य फसलों की आड़ में अफीम की खेती और तस्करी में लिप्त होने की जानकारी मिली। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और स्टाफ वहां मौका कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।